सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, रोहित शर्मा के जितने भी फैंस हैं हाजिर हो जाएं, क्योंकि आज आपके लिए क्रिको पर रोहित शर्मा स्पेशल वीडियो आ गया है, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि किसको वो कप्तानी में पछाड़ने के करीब पहुंच चुके हैं, बोले तो रोहित भैया, ठीक है, और 17 साल की रोहित की मेहनत को किसने कर दिया है किसी और के नाम, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रौनक, क्रिको देख रहे हैं आप, और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपको बता दूं, आज पता चल जाएगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान में कौन सी टीम है जो एशिया कप के फाइनल में हमसे हारने के लिए क्वालिफाई करेगी। और अगर आप इस मैच को लेकर फैंटेसी टीम बना रहे हो तो रुक जाओ मेरे दोस्त, वीडियो के एंड में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, टीम बनाकर सेम टीम कॉपी कर सकते हो और कमा सकते हो धन धनाधन पैसे। लेकिन फिलहाल मैं टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाऊंगा वो बता देता हूं, बाबर आजम और चरित असलंका, बाकी फैंटेसी टीम अनाउंस करूंगा वीडियो के एंड में। फिलहाल वापस आते हैं मेन कहानी पर, जिस पे हमने बनाई है आज की वीडियो। जी हां, हिटमैन रोहित शर्मा एशिया कप में कमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर ने जितनी सुर्खियां मैदान के बाहर रहकर बटोरी हैं उतनी शायद ही किसी ने बटोरी होंगी, क्योंकि वो काम ही अलग करते हैं, जैसे कि क्राउड पंगा लेना हो या प्लेइंग 11 पर अपनी अलग से ओपिनियन रखनी हो। जैसे इतना कम नहीं था कि गंभीर भैया ने रोहित के करियर पर बयान देकर सुर्खियों में आ गए। वो श्रीलंका भारत के बीच हुए मैच के दौरान गंभीर ने जोर देते हुए कहा कि रोहित शर्मा का करियर महेंद्र सिंह धोनी की देन है। जी हां, चौंक तो सब गए कि आखिर गौतम गंभीर ने ऐसा कैसे कह दिया, क्योंकि वो खुद ऐसी बातों का विरोध करते हैं, वो भी धोनी को क्रेडिट। गंभीर भाई, आप तो खुद कहते हो कि जो प्लेयर आपको मैच जीता है वही हीरो, यहां पर आप रिटायर्ड धोनी को ही हीरो बना रहे हो, क्या हो गया गौती भैया, सब ठीक है ना? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हां, ये तो सच है कि धोनी ने टीम इंडिया को रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी तैयार करके दिया, जो कि भारत को नई बुलंदियों तक ले जाने का दम रखते हैं। बैटिंग से तो हम उनके करिश्मे देखते ही आए, मगर अब एशिया कप में कप्तानी की बात करें तो रोहित धोनी से आगे निकलने के करीब आ चुके हैं। रोहित भैया अगर एशिया कप में दो और मुकाबले जीत लेंगे ना, तो एशिया कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा 10 मैच जीतने वाले कैप्टन बन जाएंगे। दरअसल धोनी ने वनडे फॉर्मेट पर खेले गए एशिया कप में कुल 9 मुकाबले जीते हैं, वहीं रोहित शर्मा अब तक 8 मैच जीत चुके हैं। खास बात यह है कि एशिया कप में रोहित शर्मा अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। साल 2018 में जब वनडे फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया था, तब रोहित शर्मा को कप्तान बनाकर भेजा गया था, उन्होंने लगातार 5 मैच जीते और एशिया कप के खिताब पर कब्जा भी किया। इसके बाद इस साल वो अब तक 4 मैच खेल चुके हैं और भारत एक भी मैच नहीं हारा है। अब एशिया कप में भारत के 2 मैच बाकी हैं, 15 को बांग्लादेश के खिलाफ, 17 को फाइनल। अगर ये दोनों मैच भी टीम इंडिया जीत जाती है तो धोनी का रिकॉर्ड रोहित भैया तोड़ देंगे। क्या ऐसा होगा? कोई लिख रहा है कि ऐसा कैसे नहीं होगा, होना ही चाहिए, कमेंट सेक्शन भर डालो। रोहित के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, मगर इस वक्त क्रिको की जनता को मैं बताने जा रहा हूं आज होने वाले पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैं फैंटेसी टीम में किस किस प्लेयर को लूंगा। कॉपी करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, चाहे कहीं भी टीम बनाना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैप्टन और वाइस कैप्टन बाबर आजम और चरित असलंका। इसके बाद एक बड़े स्कोर की तलाश में मोहम्मद रिजवान और उनका आज दिन हो सकता है। इस टीम में मैंने उनके बाद रखा है कुशल मेंडिस को, इमाम उल हक, पथम निसंका और शादाब खान। धनंजय डिसिल्वा भी हैं, शाहीन अफरीदी भी हैं और वेला लागे भी हैं और ठीक साना। तो ये रही मेरी आज की फैंटेसी टीम, सेम कॉपी कर लो, इसका कोई पैसा नहीं लूंगा। इनफैक्ट एक और जगह है जहां पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि बदले में आपको हजारों रुपए दिए जाते हैं, कीवी ऐप, जिस पर आज के मैच के बाद कल सुबह 8:30 बजे हम लोग आएंगे और आज जो श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला है ना, उससे जुड़े आसान से आपको सवाल पूछेंगे। यस या नो में जवाब देकर कीवी ऐप पर हजारों रुपए जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट कीवी ऐप को डाउनलोड करो और कल सुबह 8:30 बजे लाइव मिलना क्विज खेलने के लिए फ्री में, ठीक है। बाकी क्रिको को सब्सक्राइब करके जाना, जल्दी मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ, जल्दी यहीं पर। जय हिंद।